वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। मटन का कोरमा बनाने के लिए मैंने आधा किलो बगैर हड्डी का गोश्त लिया है, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ करके रख लिया है। चार बड़ी प्याज है, जिसको मैंने फ्राई करके ले लिया है, रिश्ता बना लिया है इसको। दो टमाटर है, जिसको मैंने इस तरह काट लिया है। पहले हम गोश्त को नमक हल्दी लगा के और दही लगा के रख देंगे। एक चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। दो चम्मच हम इसमें दही डाल के इसको नमक हल्दी और दही लगा के हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। पहले हम प्याज और टमाटर को इसके ले लें, इसमें हम टमाटर भी डालेंगे। एक चम्मच दही भी डाल देंगे। दही का पानी मटर को हमने पीस लिया है, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। किसी मिक्सर के बर्तन में हम हरा धनिया डालेंगे, अदरक लहसुन, चार चम्मच हम खोबरा पाउडर लेंगे, पहले पीस कर लेंगे। मैंने कुकर गरम को रख दिया है, अब हम इसमें 5 चम्मच तेल डालेंगे, 3 और 5, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। कोरमे के सालन में जब तक तेल ना दिखे तो सालन का मजा ही नहीं आता। तेल गरम होने के बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। गरम हो गया है, हम थोड़ा गैस को थोड़ा कम कर देंगे। जो अदरक लहसुन हरा धनिया और खोबरे की पाउडर डाल के हमने पीसा था, पहले हम वो मसाला इसमें डालेंगे। मसाला हमने इसमें डाल दिया, इसको हम 5 मिनट तक इसी तरह भून के लेंगे, फिर हम इसमें लाल मसाला डालेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह थोड़ा ये हो गया है, भुन गया है। अभी हम इसमें 2 चम्मच छोटे मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। अब ये मसाले हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह पकने देंगे, 20-25 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह मसाले को पहले भून के लेंगे, इसकी पूरी कच्ची स्मेल जाने तक। जब इसमें अच्छी खुशबू आने लगी तब हम इसमें गोश्त डाल के गोश्त वाला कर लेंगे।
गोश्त को भी नमक लगा के रख दिया था, इसके लिए अभी मैं थोड़ा ही डाल दूंगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के गला के लेंगे। 3 सीटी होने के बाद मैं गैस को कम कर दूंगी और को गला के गलने के बाद आपको कुकर खोल के दिखाऊंगी। गैस को हमने थोड़ा फास्ट भी कर दिया। अब हम कुकर खोल के देखेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। वो हमारा गल गए। हमने थोड़े से मटर लिए धो के, हम कोरमे के सालन में मटर भी डाल के एक बार हम उसको गला कर लेंगे। मटर डालने से सालन और भी अच्छा लगता है। इसमें सिर्फ थोड़ा ही पानी डालें, ज़्यादा नहीं। 2 सीटी लेके हम गैस बंद करते हैं। अभी हम गैस की फ्लेम को बड़ा कर देंगे और 2 सीटी के बाद गैस बंद करके हम आपको पहले मसाला निकालेंगे। मटन कोरमा हमारा बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।